एवरीवन देखिए, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इससे पहले मैं आपको ये सेकंड न्यूमेरिकल कराता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए फर्स्ट भी करना, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस। अब देखो ये जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो यहाँ समझ लेना डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखो जो हमें पार्टिकल डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी का स्क्वेयर किया हुआ है, तो यानी कि यहाँ एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये समझना। एस या एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये एक्स हमारे पास यानी कि अब डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी जो इक्वेशन है मोशन की, वो इसने ये लिखी है एक्स इक्वल टू में ए प्लस में बी टी का स्क्वेयर, और जिसमें ए की वैल्यू दी है उसने 15 सेंटीमीटर और बी की दी है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, समझ रहे हो। फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बतानी है एट टाइम 3 सेकेंड। तो उसके लिए पहले क्या करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या था हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी था। क्या था, डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको पता चलनी चाहिए, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, डी बाई डी टी, और एक्स क्या है यहाँ पर, ए प्लस में बी टी का स्क्वेयर। इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो ए प्लस में बी टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें ए है कांस्टेंट और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0। और वैसे ये देख लेना, मैंने मैथमेटिकल टूल्स में आपको डिफरेंशिएशन बताया कैसे करते हैं, ठीक है। नहीं पता तो तब भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखो जो हमें करना था वो क्या करना था, डी एक्स बाई डी टी करना था, है ना। एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करनी थी, यही मतलब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में है, टी यहाँ पर है, यानी कि ये तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, समझ रहे हो। बी कॉन्स्टेंट है लेकिन ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको करने से के लिए क्या होता है हमारे पास, ये जो टर्म है पहले ये आ जाती है 2bt, और इसमें से एक पावर कम हो जाती है, तो ये 2 - 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 2bt आ गया। क्या इतनी बार समझ में आई, ऐसे किया हमने, ये बी टी स्क्वेयर है ना, तो 2bt और 2 - 1 कर दिया, तो 2bt की पावर 1, समझ रहे हो। तो यहाँ से हमारे पास यानी कि dx बाई dt कितना आ गया हमारे पास, dx बाई dt जब हमने किया तो ये 2bt आया है। कितनी बात क्लियर है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, समझ में आई है डिफरेंशिएशन। तो a प्लस बी टी स्क्वेयर के लिए जब हमने डिफरेंशिएशन की तो क्या आई हमारे पास, 2bt, यानी कि ये आ गई आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन उसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब पूछी है, 3 सेकेंड पे पूछी है। तो 3 सेकेंड यहाँ पुट करेंगे, देखो 2 और b की वैल्यू कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, तो ये पुट कर दी हमने और टाइम पुट कर दिया 3 सेकेंड। तो कितना आया ये, 3 × 9 = 18 सेंटीमीटर में था ये बी वाला जो पार्ट था, सेंटीमीटर। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मीटर पर सेकंड। ये यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर है और ये सेकंड में आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है, यहाँ से मत देख लेना सेंटीमीटर सेकंड करेंगे, नहीं, जो आपको पता है वेलोसिटी के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपको क्या सेंटीमीटर पर सेकंड तो नहीं बताया था आपने, लेकिन इस तरह क्वेश्चन में आ रहा है तो क्या करें, अब सेंटीमीटर पर सेकंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सेंटीमीटर को अगर चेंज करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर बी 3 सेंटीमीटर था ना, इसके लिए क्या करोगे, देखो ओवर करके कर रहा हूँ, 2 × 3/100 कर दोगे तो ये मीटर में आ गया, या नहीं। अब 3 × 2 = 3 × 3 = 9 × 2 = 18/100 आया है, तो इसका मतलब 0.18 आप लिख सकते हो इसको मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो। दो आंसर इसके पास आ सकते हैं, समझ में आया कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, डिफरेंशिएशन लेकर कैसे इसने किया। अब आप कहोगे ए का तो यूज़ ही नहीं हुआ इसमें, तो सही है ना, यूज़ नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ 3 सेकंड पे, तो ए की भी वैल्यू यहाँ पुट हो जाती, बी की भी पुट हो जाती और टी की भी पुट हो जाती, फिर एक्स आ जाता हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाती कि कितनी हुई है कवर, समझ रहे हो। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो है, ये आपको अब समझ में आ जाएगा अच्छे से, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो इसके कहते हैं द रिलेशन 3t इज इक्वल टू में रूट में 3x पूरा के ऊपर रूट है ये प्लस में 6 डिस्क्राइब्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। अब डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ये, तो ये टी नहीं बता रहा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्स या एस। और वैसे भी इसने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ ए पर्टिकुलर इन वन डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन बता दी, इन वन डायरेक्शन, वेयर एक्स इज इन मीटर, तो एक्स इज इन मीटर है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स है यहाँ पर, ठीक है। और टाइम टी इज इन सेकंड, यानी कि ये टाइम है, टी क्या है, टाइम है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, ये है कहानी। अब क्या निकालनी है आपको, डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, ये है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से। देखो अगर हम रूट में 3x यहीं रहने दें और ये 3t - 6 ऐसे कर दें, ठीक है, या फिर अब इसको हम पलट दें, रूट 3x यहाँ लिख दें और ये 3t - 6 पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दें। अब आप कहोगे ये इधर लेके गए हैं तो साइन क्यों नहीं चेंज किए, मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा टर्म इंटरचेंज कर दिया इक्वल टू से, इधर वाली
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आए और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले आए, तब हम साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, एज इट इज़ ये हम अदला बदली कर सकते हैं यहाँ पर, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमें रूट हटाना है तो क्या करो, यहाँ पर इसके लिए स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, बोथ साइड बेस्ट तरीका यही है इसको हटाने का। तो रूट में 3x का जब हम स्क्वेयर कर दिया यहाँ पर और 3t माइनस 6 का स्क्वेयर कर दिया, तो ये स्क्वेयर से ये रूट कट जाएगा तो 3x बच गया। अब यहाँ स्क्वेयर है, होल स्क्वेयर है, तो इसके लिए a माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बनेगा। a माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो बस वही लगाते हैं अब यहाँ पर, देखो 3t का स्क्वेयर a ये हो गया, प्लस में b क्या है 6 का स्क्वेयर, माइनस में 2a कितना हो गया यहाँ पर 3t, और b कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, ये 3t का स्क्वेयर प्लस में 6 का स्क्वेयर माइनस में 2 3t एंड 6, बिकॉज 2ab है ना, 2ab, a 3t है और b 6 है, तो 3 3 9 और t स्क्वेयर आ गया, एंड प्लस 6 6 36 माइनस में 2 3 6 6 36 t आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये x 3 इस पूरे के साथ यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो 3 3 9 3t स्क्वेयर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 12t। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3t स्क्वेयर माइनस में 12t, पहले ये वाला लिख दिया और फिर प्लस में 12 ऐसे लिख दिया। ये आई है हमारे पास किसकी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई है, ठीक है, यहीं से सारी कहानी होनी है अब शुरू। अब उसने कहा डिस्प्लेसमेंट निकालो जब वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो के लिए अब आप खुद सोचो, ये वेलोसिटी जीरो की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत है, अब टाइम की ज़रूरत है, लेकिन किस टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो हुई है, समझ रहे हो, ये तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ टाइम कौन सा लेंगे हम, जिस पे वेलोसिटी ज़ीरो हुई है, तो उस टाइम को यहाँ पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारी। तो अब ये है मेन कहानी कि वेलोसिटी ज़ीरो तो टाइम क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा किस तरीके से हमें करनी है ये कहानी, कि अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएं यहाँ पर dx/dt, बताओ, तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी, तो बहुत ही सिंपल है। तो यानी कि डिफरेंशिएशन करें हम इसमें ये वाली इक्वेशन की, x की इक्वेशन क्या है ये 3t स्क्वायर माइनस में 12t प्लस में 12। देखो अब आपको पता ही है करते कैसे हैं हम डिफरेंशिएशन, देखो पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी आगे, 3 2 6t और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, समझ रहे हो, माइनस में 12t है, ठीक है। अब 12t है यानी कि पावर यहाँ 1 है, और 1 × 12 12, और t की पावर 1 माइनस 1, देखो ऐसे कर रहे हैं हम, ये 3t स्क्वेयर माइनस में 12t, देखो ये सारा मैंने ना आपको बताया हुआ है मैथमेटिकल टूल में, फिर भी बता देता हूँ, देखो पावर आगे मल्टीप्लाई हुई और ये पावर क्या हो गई, ये कम हो गई, 3 2 6t और ये पावर 1 आ गई, ठीक है, तो 6t लिख दिया। अब ये माइनस 12t है ना, अब इसको देखो कैसे किया हमने, 12t है पावर 1 है, 1 × 12t और 1 में से एक पावर माइनस करेंगे तो 12 × 1 12 एंड t की पावर 0। अब t की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, समथिंग पावर 0 क्या होगा हमारे पास, 1 ही होता है, तो 12 आ गया ये, तो ये 12 लिख दिया। और ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है 12, ये वाली इसकी क्या होती है डिफरेंशिएशन, 0 होती है। तो यहाँ से हमारे पास v क्या आ गया, 6t − 12, यहाँ अभी वेक्टर लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी, ठीक है, नॉर्मल क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो 6t − 12 अभी क्या आई है हमारे पास, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आई है, क्या इतनी बात समझ में आई है, और कोई तरीका नहीं इसमें वेलोसिटी निकालने का, जहाँ पर भी ये आपके पास इक्वेशंस आ जाएं तो वहाँ समझ जाना इंस्टेंट वेलोसिटी ही निकलेगी, जो कि हमें पता डिफरेंशिएशन करके आती है, समझ रहे हो बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर उसने बोला था क्या है वेलोसिटी ज़ीरो, अब इफ़ वी इज़ ज़ीरो तो हम यहाँ टाइम निकाल लेंगे, ठीक है ना, वी ज़ीरो अगर है तो टाइम देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 60 और ये माइनस का 12, तो यहाँ से टी कितना आ गया 12/6 दैट इज़ 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का टाइम आया है हमारे पास जब क्या है वेलोसिटी ज़ीरो है। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो है तब टाइम आया 2 सेकेंड, तो ऑब्वियस ही बात है अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, 3t² − 12t प्लस में 12 है, ठीक है, तो टाइम है 2 सेकंड का। ये कैसे निकला, क्योंकि उसने बोला था वेलोसिटी ज़ीरो, तो वेलोसिटी ज़ीरो कब हुई, 2 सेकंड में, तो टाइम 2 सेकंड का यहाँ लगा, तो 3 2² − 12 और ये 2 प्लस में ये 12, तो 2 2 4 3 12 और ये यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस का 12 2 24 और ये प्लस का 12, समझ रहे हो ना। अब देखो 12 प्लस का और ये 12 प्लस का कितना हो गया 24, या फिर ये कर लो 12 − 24 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर,
तो 12 में से 24 माइनस करेंगे और साइन विच इज ग्रेटर, तो यानी कि 24 बड़ा तो माइनस का साइन आएगा, और 24 में से 12 माइनस करेंगे 12, और ये प्लस का 12, तो माइनस 12 प्लस 12 क्या होता है 0। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है 0 मीटर की। अब आप हो गई ये कैसे हुआ 0, भाई डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकती है ना, हो सकता है वो यहाँ से गया और फिर एकदम से इस पॉइंट से, मान लो यहाँ पर किसी और का होम है, ठीक है, मान लो ये आपके पास टी होम है किसी का, ठीक है, यहाँ गया और फिर वापस आ गया, तो इस केस में क्या हो सकती है डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, और आके रुका ही होगा तो वेलोसिटी 0 थी। कितनी बात क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकती है ना इस केस में, गया और आया, इनिशियल और फाइनल सेम है तो 0, ये कहानी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ जाएँ तो किस तरीके से करने हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।